हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज पोखरा में हमारा दूसरा दिन है। तो आज आपको मैं लेक, जो पोखरा का फेमस जगह है लेक, तो वहाँ आपको ले जाऊँगा, वहाँ पर देखूँगा बोटिंग कैसे होता है, और हो सकता है शायद हम लोग भी करें। तो उस पर ये वीडियो है, तो फिर आगे का वीडियो पर फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब हम लोग निकलने के लिए होटल से रेडी है, और सब लोग रेडी हो गए हैं, रवि और हैप्पी। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, और उसके बाद का आपको वीडियो दिखाते हैं। तो जब जहां से हम लोग होटल लिए हैं, तो वहां से लेक कोई ज्यादा दूर नहीं है, तो अपना गाड़ी छोड़ दिए और हम लोग पैदल ही निकल गए। 3 मिनट का रास्ता है और हम लोग चलते हैं। तो देख सकते हैं कि ये पोखरा की सिटी है, और यहाँ पर क्लीन तो इतना कहा जाए कि हमारा इंडिया कहाँ से इतना क्लीन हो सकता है जितना यहाँ पर क्लीन है। बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल ये मार्केट लग रहा है। तो देख सकते हैं कि हम लोग पोखरा आ गए हैं, और यही है लेक, जो कि ये प्रसिद्ध और फेमस जो नेपाल का ये जगह है, इसी पोखरे की वजह से यहाँ पर इसका नाम पड़ा है पोखरा। तो देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और खूबसूरत है, यहाँ बोटिंग की सुविधा, और देखते हैं हम लोग जाते हैं यहाँ बोटिंग का क्या है क्या नहीं, और जाके यहाँ पर देखते हैं। यहाँ टिकट की इंक्वायरी रवि और हैप्पी कर रहे हैं कि, और इसका प्राइस मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, और देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके, ये लाइफ जैकेट पहन के रवि और हैप्पी, और ये 3 टिकट हम लोगों ने लिया है मंदिर जाने का, और इसका प्राइस है 125 नेपाली। तो आगे चलते हैं, और लाइफ जैकेट हम लोग पहन लिए हैं, और उसके बाद अब बोट पे हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए, ये बोट के थ्रू हम लोग, ये जो मंदिर है पोखरे के बीचों बीच है, तो वही बोट के जरिए हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ से देखने में बीचों पहाड़ के बीचों बीच ये जो नदी है, देखने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये अनुभव आपको खुद ही आकर यहाँ पर लेना पड़ेगा। देख सकते हैं कि यही मंदिर है जो पोखर के बीचों बीच है, और पूरे तालाब के बीच में ये मंदिर है, और वो उस साइड सिटी है, और ये बीच में मंदिर, पोखर के बीचों बीच मंदिर। ताकि आपने देखा कि मैंने आपको मंदिर दिखाया, और ये जो ये मंदिर है, और ये जो जगह है नेपाल का पोखरा, ये इसी पोखर के वजह से ये नाम है यहाँ का, और ये यहाँ का सबसे फेमस जगह है, क्योंकि इस जगह का नाम भी इसी ये पोखर से ही है, ये जगह का नाम है। और मंदिर को दिखाया, और फिर हम लोग अपने ये बोट से फिर वापस उस तरफ जाएंगे, और बस पोखर में और इतना ही कुछ नहीं है, बस यही इस साइड, तो बस यही नाव, बोटिंग, और ये मंदिर, और राउंड मारने का है बस, और इतना कुछ नहीं है इसमें, बाकी सब फिर उधर है उस तरफ सिटी में। फाइनली हम लोग का पोखर का जो टूर था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर से वापस होटल जाते हैं, और फिर लास्ट ब्लॉग हम आपको वहीं पर देंगे। हम लोग अपने रूम पे आ गए, होटल पे आ गए, और हमारा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो पोखरा का ट्रिप आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, ताकि और भी आपको महत्वपूर्ण वीडियो मैं देता रहूँ। इसके लिए बाय बाय, थैंक यू।